सम्मान। तो सम्मान क्या है, हम सम्मान किस लिए करते हैं और क्यों? तो महामंडलेश्वर स्वामी जी ने कहा है, सम्मान का अर्थ है सम और मान, अर्थात बराबर का मान। सम्मान जिसे हम देते हैं वो तो बड़े होते ही है, लेकिन जो सम्मान देता है वह भी हमसे बराबर का होता है। जो व्यक्ति सम्मान करता है वह मानवीय गुणों में बड़ा होता है, जिससे उसे सम्मान करने के लिए दूसरे के प्रति प्रेरणा देती है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रेम का विशाल समुद्र होता है। सम्मान जब गुरु को कोई शिष्य देता है तब गुरु आशीर्वाद देता है, शोहम अर्थात जो मैं हूँ वो तुम भी बन जाओ। परंतु कोई प्रधानमंत्री किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद नहीं देता, कोई मुख्यमंत्री कभी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, कोई धनवान कभी किसी को धनवान नहीं बनाता, परंतु कोई शिक्षा गुरु सभी शिष्य को सोना बना देता है। शिक्षक के लिए कोई महत्व नहीं है कि वह कौन है जो उनके शरण में आया है। जिस प्रकार पारस को इस बात से मतलब नहीं कि लोहे का हथियार है या मूर्ति, मंदिर में बजने वाला चिमटा है या किसी बधिक के मांस काटने वाला हथियार, उसे तो उसे छूकर सोना बना देता है। अगर सम्मान ढंग से ना मिले तो उसे सम्मान नहीं कहा जाता। इसी प्रकार मैं अंत में दोहे के प्रति कुछ आपको बताना चाहती हूँ, जो दोहे हमारे प्रिय कबीरदास जी के हैं, जो दोहे शायद आप सभी ने सुना है। वो दोहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं, उसी प्रकार हम इंसान भी बड़े हो जाए तो वो खजूर के पेड़ के समान ही है, क्योंकि वो खजूर के पेड़ में पत्ते होते हैं, फल भी होते हैं, पर उस पत्ते से ना किसी राही को छा मिलते हैं, ना किसी पंछी को, ना ही उसके फल आसानी से कोई व्यक्ति तोड़ पाता है। उसी प्रकार कोई इंसान बड़ा होकर सुंदरता भी है, धन दौलत सभी है, पर वह किसी दूसरे के प्रति सम्मान ना रखे तो वह व्यक्ति एक खजूर के पेड़ के समान ही है। तो आप सभी से यही विनती है कि आप अपने शिक्षा गुरु, अपने से बड़े और माता पिता सभी को सम्मान दें। धन्यवाद।